राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, मैं आपके साथ हरियाली तीज का जो है शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जो है हमने सभी भगवानों के लिए जो है एक जैसी ड्रेस का सिलेक्शन किया है, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर, क्योंकि येलो जो है हमारे कान्हा जी का पसंदीदा कलर भी है, और साथ ही साथ देखिए इसमें ग्रीन कंट्रास्ट भी है, तो ये हमारे दोनों पर्पस से काम आने वाला है। यानी वीरवार को, पूर्णमासी को, एकादशी को भी आप इस ड्रेस को पहना सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये आपके हरियाली तीज पर भी बहुत खूबसूरत लगने वाली है कान्हा जी के ऊपर, क्योंकि ग्रीन कलर का देखिए बहुत ही सुंदर काम हुआ हुआ है। तो ये हमने सभी भगवानों के लिए ली है। और अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं, इस ड्रेस को या किसी भी भगवान की, वो मैं आपको एक एक करके जो है दिखाने वाली हूँ कि हमने किसके लिए कैसा जो है डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। वैसे पैटर्न एक ही है, बस भगवान के हिसाब से वो चेंज होगा। जैसे ये लड्डू गोपाल की ड्रेस है तो इसके अंदर अलग तरीके से बनाया हुआ है, राधा कृष्णा में अलग तरीके से वर्क है, दुर्गा सेट में अलग तरीके से वर्क है, खाटू श्याम बाबा का जो है, इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न हो जाता है। बाकी वर्क एक ही रहेगा, मतलब ड्रेस का लुक चेंज हो जाता है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और ये जो ड्रेस खरीदी गई है, ये राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के वहां की शॉप से ली गई है। मैंने कई बार आपको पहले भी उन भैया का जो है फ़ोन नंबर दिया है, बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए हैं उनसे ड्रेस मंगा कर, बहुत प्यारा कलेक्शन उनके पास रहता है। तो उन भैया का शॉप का जो है नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनको ये जो आप वीडियो में ये ड्रेसेस देख रहे हैं उसकी एक फ़ोटो खींचिए और उनको क्लिक करके सेंड कर दे, और उनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि हमने इस चैनल पर जो है प्रीति माहेश्वरी नाम से जो चैनल है उस पर हमने ये ड्रेस देखी है, तो वहाँ पर हमें ड्रेस पसंद आई है, हमने आपको पिक भेजी है। हमें जिस भी भगवान के लिए आप लेना चाहते हैं, बस आपको बताना होगा उनको और वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर उनके पास अभी भी सारे साइज अवेलेबल होंगे तो वो ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, और नहीं तो अगर कोई और भी डिज़ाइन उनके पास आया होगा हरियाली तीज के लिए, कोई नया कलेक्शन भी आया होगा, तो आप उसके लिए भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो आपको नई ड्रेसेस की भी जो है पिक भी व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, और आप उनमें से कोई भी अच्छी ड्रेस जो आपको अच्छी लगे जो है उसको सेलेक्ट करके अपने घर बैठे हुए विद कोरियर फैसिलिटी है उनके पास वो मंगवा सकते हैं। फेयरफुल शॉप है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप इजीली मंगवा सकते हैं। और कई बार कई क्वेश्चन भी आते हैं, शॉप वाले भैया भी होते हैं कई, कि क्या हम बल्क में उठा सकते हैं, होलसेल के लिए हम ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, होलसेल के लिए भी वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो होलसेल के लिए भी आप उनसे ड्रेसेस जो है मंगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके दिखाना शुरू करती हूँ कि हमने जो है कौन कौन सी ड्रेस जो है सभी के लिए ली है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इस तरीके का वर्क होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत वर्क है। आप वीडियो में देख रहे हैं कितना शाइन कर रहा है, बहुत ही प्यारा जो है वर्क है इसके अंदर। और ये देखिए इस तरह से डबल फ्रिल है, मतलब बहुत खूबसूरत लगने वाली है, एक नीचे है एक ऊपर, इस तरह से हाफ आएगी तो बहुत प्यारी लगने वाली है। और साथ ही साथ जो है हमने छोटे लड्डू गोपाल की भी देखिए सेम है, डबल फ्रिल के अंदर है, बहुत प्यारा कलेक्शन है ये वाला। ये इस तरह की चोली रहेगी और जो पटका है वो इस तरीके का रहेगा, ये देखिए इस तरह से लेंथ काफ़ी अच्छी है। तो लड्डू गोपाल पे बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो ये था लड्डू गोपाल की ड्रेस का कलेक्शन। और अब मैं आपको जो है बड़े राधा कृष्णा की ड्रेस दिखाने वाली हूँ, यानी आरके सेट। ये हर साइज में अवेलेबल है, आप 3 इंच तक इसको इजीली ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है राधा रानी का इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये जो है लहंगा होने वाला है। ये देखिए मैं आपको पूरा खोलकर दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी लेंथ है, काफ़ी अच्छा वर्क है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं डबल फ्रिल में लहंगा आएगा, यानी 2 लेयर में बना हुआ है ये भी। जैसा मैंने कहा पैटर्न सेम होता है, बस जो है हमारे भगवान जी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन चेंज हो जाता है, क्योंकि आरके सेट है तो ये अपने हिसाब से बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और बहुत ही खूबसूरत जो है इसके अंदर ये जो है राधा कृष्णा की चोली है, ये देखिए। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे लगती है वो है इसकी चुनरी, जिसकी लेंथ जो है काफ़ी अच्छी दी हुई है, आपस में चिपक गई है थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि चुनरी के ऊपर भी कितना खूबसूरत जो है काम हुआ हुआ है। बहुत लाइट वेट है, गर्मी के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भी है, कलर भी है। तो हमारे राधा कृष्णा और सभी भगवान उस दिन बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। और इसी के साथ जो है ये है हमारे, देखिए कान्हा जी की धोती, धोती पैटर्न है इस बार, तो ये धोती है। और एक ड्रेस वैसे मैंने और भी ली है, वो ली है हमने
हरियाली तीज के लिए राधा कृष्णा की, वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, वो मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी, पहले मैं ये कलेक्शन दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर धोती पैटर्न है, ये देखिए, ये हमारे राधा कृष्णा जो है हरियाली तीज पर पहनने वाले हैं, सभी भगवान जो है हरियाली तीज पर इसको पहनेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा जो है पटका है कान्हा जी का, काफ़ी अच्छी लेंथ है, और आप बीच में देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से स्टोन वर्क हुआ हुआ है, ओरिजिनल नग जो है इसमें यूज़ करे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ये और भी खूबसूरत हो जाता है। तो ये था हमारा आरके सेट, और इसी के अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यही हमने राम दरबार के लिए भी सिलेक्ट किया है। तो पैटर्न सेम है, साइज़ बस छोटा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है 4 इंची का जो है लहंगा है, ये इसी तरीके से हमने जो है गणेश जी और लक्ष्मी माता के लिए लिया है, ये 7 इंची के अंदर है। तो सारे साइज़ आपको मिलने वाले हैं, कभी भी आपको ये टेंशन नहीं आएगी कि हमें इस साइज़ में नहीं मिला। और राम दरबार में देखिए, जैसे हमने सभी का लिया है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से जो है हनुमान जी के लिए भी धोती पटका ले लिया है, यानी सेम पैटर्न हो जाता है इस तरीके से। तो बहुत हेल्प करते हैं ये भैया हमारी, और आपकी भी ज़रूर करेंगे। तो जैसे मैंने उनको बोला कि मुझे हनुमान जी के लिए अलग से चाहिए, तो वो इस तरह से प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उन्होंने मुझे धोती और पटका इसमें प्रोवाइड करवाया है, चोली भी है, तो ये हनुमान जी की ड्रेस भी हमें मिल जाती है, नहीं तो हमें अलग से लेनी होती है, फिर वो अनमैच लगता है ना, तो लुक कभी भी जो है निकल कर नहीं आता। तो इसीलिए काफ़ी हेल्प करते हैं, अगर आप उनके जो है परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं, आपके लिंक अच्छे बन जाते हैं, तो आप इस तरह से उनके साथ ज़रूर कनेक्ट होना, आपको बहुत सुंदर वैरायटी मिलने वाली है। और जहाँ कहीं से भी मैं शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी एक जगह से शॉपिंग नहीं करती हूँ, अगर हम वहाँ पर गए हैं खाटू श्याम जी, तो वहाँ पर हमारी एक जो है फिक्स शॉप है, कहीं भी मैं जाती हूँ वहाँ पर हमारी फिक्स जो है शॉप्स रहती हैं, तो वहीं से हम परचेज़ करते हैं। जैसे खाटू श्याम जी से इस तरह का कलेक्शन है, आप देख पा रहे हैं, बाकी वृंदावन से मैं अलग से लेती हूँ, वृंदावन में हमारी एक फिक्स शॉप है, और इसी तरह से निधि वन से भी मैं ड्रेस लेती हूँ, वहाँ भी हमारी फिक्स शॉप है। और सभी के मैं आपको नंबर देने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में, क्योंकि बहुत डिमांड रहती है कि आपने कहाँ से ली, क्या हम घर बैठे मंगवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सभी जगहों से घर बैठे विद कोरियर फैसिलिटी मंगवा सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपको सभी के कॉन्टैक्ट नंबर मैं ज़रूर दूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए, और आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है तो आप उसको अलग से मंगवा सकते हैं, बल्कि और भी डिज़ाइन आप चाहें तो उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट रह सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और आप उनसे जब ज़रूरत हो ले सकते हैं। तो देखिए, ये है सभी का आरके सेट, यानी राधा लक्ष्मी, राधा जी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए, जैसे गणेश जी के लिए भी हमें आरके सेट की ज़रूरत पड़ती है। और तो इस तरह से हमने सिर्फ साइज़ छोटे बड़े करे हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है दुर्गा सेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी दुर्गा माता का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा देखिए लहंगा है, ये भी जैसे मैंने आपको बताया डबल फ्रिल के अंदर है, बहुत खूबसूरत काम है, सबसे अच्छा मुझे इसका जो है वर्क लगा, बहुत ही देखिए खूबसूरत वर्क है, स्टोन वर्क हुआ हुआ है, बहुत हैवी वर्क है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको इसी तरह की देखिए चोली मिलेगी, चोली सबकी सेम है, और दुर्गा सेट है, तो यहाँ पर इस तरह से दुर्गा माता के लिए भी यहाँ पर चुनरी दी हुई है, और इस तरह से बहुत खूबसूरत वर्क हुआ हुआ है चुनरी पर भी, तो बहुत ही प्यारी लगने वाली है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो हमने चेंज किया है वो थोड़ा सा किया है शालीग्राम जी की ड्रेस में, क्योंकि बहुत छोटा साइज़ मुझे चाहिए था, जो इस ड्रेस में लड्डू गोपाल के लिए अवेलेबल नहीं था, जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया है छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस का यहाँ पर अभी, तो जो सबसे छोटा साइज़ था लड्डू गोपाल की ड्रेस में वो ये था, 2 नंबर से स्टार्ट था वहाँ पर, तो ये हमारे शालीग्राम जी के लिए थोड़ा ड्रेस बड़ी हो जाती है, हमें ये था कि बीच वाला सेंटर वाला पार्ट भी मिल जाए, लेकिन मुझे सेम नहीं मिला, क्योंकि चौकी पर भी जो है आपने देखा होगा, जो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली में पुराने मेम्बर्स हैं शालीग्राम जी, आपने देखे हुए हैं, बहुत छोटे साइज़ में हैं, तो जो उनकी मतलब हमने स्थान दिया हुआ है उसमें भी काफ़ी बड़ी ड्रेस बैठती है, तो इसीलिए हमने उसी की मैचिंग की, इस तरह से मिलती जुलती ये ड्रेस ली है। तो इस तरह से आप अपना पूरे मंदिर का जो है सभी का एक जैसा सेट बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हरियाली तीज की ड्रेस, सभी भगवानों की जो मैंने आपको दिखाई, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बिल्कुल नया डिज़ाइन था पगड़ी के अंदर, मैचिंग में ही हमने लिया है, तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत पगड़ी है, इस तरह से बहुत प्यारा वर्क हुआ हुआ है। तो आप इस तरह से ड्रेस, मैचिंग की पगड़ी, सभी चीज़ें उनसे जो है व्हाट्सएप पर देखकर
बहुत अच्छे से तसल्ली करके मंगवा सकते हैं। और जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फेथफुल शॉप है, काफ़ी बड़ी शॉप है खाटू श्याम जी में। अगर आप पर्सनली भी जाते हैं वहाँ पर, तो भी आप फ़ोन करके उनकी शॉप का एड्रेस ले सकते हैं, वहाँ पर पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं, दर्शन भी करिए, और आगे तक के लिए आपको एक शॉप भी मिल जाएगी। और ये लिए हमने छोटे लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान के लिए सेम इस तरह की। बाकी अभी राम दरबार की इनकी जो है पगड़ी आनी बाकी है, क्योंकि उस समय पे उनके पास ये साइज़ जो है राम दरबार का जो हमें सबका चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अभी उसको ऑर्डर किया हुआ है। वो जैसे ही आएगा, मगर वो आ गया अभी थोड़े दिनों में, तो मैं आपको पगड़ी का अलग से कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने राम दरबार के लिए इन सभी के लिए कौन सा लिया है। बाकी हमें जो है छोटे लड्डू गोपाल की मिल गई थी, तो हमने ये 2 से 3 पगड़ियाँ इस तरह से ले ली हैं, ताकि हमारा जो है जिसका कलेक्शन बिल्कुल सेट होता जा रहा था, वो हमने पूरी कोशिश करी कि सबका मैचिंग का बनता जाए। क्योंकि हमारे पास छोटे कान्हा जी भी हैं, आपने देखा है उनका भी जो है सर का साइज़ बहुत छोटा है, तो इसीलिए जो चीज़ हमें मिल रही थी वो हमने ले ली है। और साथ ही साथ मैंने जो वहाँ से इस बार लिए हैं वो इस तरह की कलगी ली है। और अगर आप इस तरह की जो है मार्केट स्टाइल कलगी बनाना भी सीखना चाहते हैं घर पर, कि आप घर पर भी कैसे अपने आप इस तरह की खूबसूरत कलगी बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस तरह की जो है अटैचमेंट घर पर भी कैसे बनाएं वो दिखा सके। तो ये हमने इस तरह की जो है अटैचमेंट ली है खाटू श्याम बाबा के लिए, कान्हा जी के लिए और अपने बाल गोपाल के लिए। तो इस तरह की 4 से 5 हमने ली है, जो हम हरियाली तीज पर उनकी जो ड्रेस वियर करेंगे मुकुट के ऊपर हम कैसे डेकोरेट करेंगे वो आप देख ही सकते हैं, श्रृंगार वीडियो ज़रूर अपलोड होती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कलेक्शन है हरियाली तीज का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके लिए मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल रहती हैं ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको जो है ये सभी चीज़ें कैसी लगी। और अभी मैं एक ड्रेस और दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म नहीं करना है। अभी एक ड्रेस मैंने जैसा आपको कहा कि मैं जो है शिवरात्रि के लिए आपको दिखाने वाली हूँ, कि शिवरात्रि के ऊपर हमने कान्हा जी के लिए एक ड्रेस और अलग से जो है मंगाई है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बाकी अभी जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो यही है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सुंदर सुंदर कलेक्शन जो हमारी चैनल पर अपलोड होता रहता है, चाहे वो ड्रेसेस का हो, चाहे ऑर्नामेंट्स का हो, ज्वेलरी वगैरह, तो इसके लिए चैनल पर बने रहें। और साथ में जो बेल आइकन बटन होता है उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर जो है मिल जाए। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलेक्शन है ये। और एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर और ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने सारा कलेक्शन मंगवाया है हरियाली तीज के लिए, और हम सभी को जो है सेम ड्रेस पहनाना पसंद करते हैं। बाकी राधा कृष्णा की मैं चेंज कर देती हूँ, जो सेंटर वाला वो हमारा पार्ट होता है, बड़े राधा कृष्णा, छोटे राधा कृष्णा और लड्डू गोपाल जी का, उनकी ड्रेस मैं जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ मंदिर में, तो उनका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, लेकिन बाकी भगवानों का, जैसे अब हरियाली तीज आएगी तो सब एक जैसा पहनेंगे। लेकिन कान्हा जी की इनकी ड्रेस क्या होता है, वीडियोस भी अपलोड होती हैं, आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर तो आपने देखा होगा, बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनके ऊपर राधा कृष्णा की। तो मुझे वीकली या 10 दिन पर उनकी ड्रेस चेंज करनी ही होती है। और अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ज़रूर फॉलो करें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी, और आप वहाँ पर उन वीडियोस का जो है मज़ा ज़रूर लें, आनंद ज़रूर लें। बहुत खूबसूरत सूरत जो है गानों के ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जैसा मैं आपको बोल रही थी कि मैंने इसीलिए मैं 10 दिन में उनकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ, तो उसके लिए हमें नई नई ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सभी भगवानों का जो हमारा होता है वो मैं 15 दिन पे चेंज करती हूँ, तो एक जैसी ही ड्रेस पहनते हैं वो। तो यहाँ पर जो शिवरात्रि आएगी तब हम बीच में राधा कृष्णा की ड्रेस चेंज करेंगे, और शिवरात्रि पे जो है माता पार्वती का, भोलेनाथ जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उनके श्रृंगार वीडियो का। तो यहाँ पर जो है शिव जी पार्वती का जब श्रृंगार होगा, तो पार्वती माता की जो हमने ये ड्रेस मंगवाई है, ये वाली जो मैंने आपके साथ हरियाली तीज की शेयर करी है, ये मैं उनको वियर कराऊंगी, क्योंकि बाद में अगर मैं अलग से मंगाऊंगी तो सभी भगवान हरियाली तीज पर या उस दिन एक जैसे होंगे, लेकिन माता पार्वती की एक ड्रेस मंगाने से क्या होता है, वो फिर बाद में यूज़ नहीं आती है हमारे, वो पड़ी ही रह जाती हैं।
क्योंकि वो सेम पहनते हैं सभी भगवान, तो इसीलिए वो आउट हो जाती है। तो मैं इसलिए क्या करूँगी, जो हरियाली तीज की ड्रेस आई है वो शिवरात्रि पे माता पार्वती को वियर कराऊंगी, और उसके 2-3 दिन के बाद उनकी ड्रेस चेंज कर दूंगी, जो सभी ने पहनी होगी वही वियर कराएंगी, और उसके बाद हरियाली तीज पर दोबारा हम इस ड्रेस को वियर कराएंगे। तो आप कैसा करते हैं अपने मंदिर को, जैसा मैंने आइडिया लगाया है कि आप भी ऐसा आइडिया लगाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या कोई नया आइडिया लगाते हैं वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैं ये चीज़ अप्लाई करने वाली हूँ, यानी शिवरात्रि पे इसी ड्रेस को हम शिव माता पार्वती को वियर कराएंगे, और उसके बाद हम चेंज कर देंगे और हरियाली तीज पर दोबारा पहनाएंगे, ताकि सारे भगवानों का लुक एक जैसा आ सके। तो चलिए अब हम जो है राधा कृष्णा की जो हमने ड्रेस मंगवाई है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, एक पगड़ी हमने जो है खाटू श्याम बाबा के लिए भी ली है, ये इस तरह की पगड़ी है, बहुत ही प्यारी पगड़ी है। ये दिखाने से रह गई थी, ये मैंने अभी सामान हटाया तो मुझे नज़र आई। ये इस तरीके का पैटर्न है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत पगड़ी है ये भी। अगर आप लड्डू गोपाल के लिए भी मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, इस तरह से वेलक्रो आएगी इसमें पीछे। तो ये जो है बालों में कई बार अटकती है ना, तो बाल खराब हो जाते हैं लड्डू गोपाल के लिए। तो मैं बहुत, जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखता तब मैं ये वाली पगड़ी लेती हूँ लड्डू गोपाल के लिए, अदरवाइज़ जैसी मैंने आपको दिखाई मैं मैक्सिमम यही लेती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी श्याम बाबा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम बाल नहीं लगाते हैं उनको, आपने देखा हुआ है। और तो इस तरह से मैंने उनके लिए ये वाली पगड़ी ली है ड्रेस की मैचिंग की। तो जैसे मैंने कहा राम दरबार की किसी किसी की रह गई है, वो अभी हम बाद में लेंगे। और अब हम देख लेते हैं राधा कृष्णा की जो नई ड्रेस मैंने मंगाई है, तो पहले राधा जी की देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होने वाली है, ये आई है वृंदावन से राधा कृष्णा के लिए। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, यहाँ पर मल्टी लेयर की फ्रिल है, फ्रिल वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। मैं वूलन में भी बहुत सारी ड्रेस बनाती हूँ फ्रिल में, और कई बार मैंने, आपने देखा होगा, बहुत सारे डिज़ाइन मैंने फ्रिल में अपने साथ आपके साथ जो है अपनी बनाई हुई ड्रेसेस के भी जो है शेयर करे हैं। तो बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह की फ्रिल की ड्रेस राधा रानी पे, बहुत प्यारी लगती हैं। तो इस तरह से ये समर की जो है शिवरात्रि के लिए राधा जी की ये ड्रेस आई है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और इसके साथ जो है इस तरह की, ये देखिए ये जो है चोली है, ये राधा जी का ब्लाउज है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है ना ऑरेंज है, तो ये इस तरह से ग्रीन टोन में राधा जी की चोली है, पिंक कलर की पफ स्टाइल में, देखिए बाजू बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये माल जो है उनका ख़त्म हो चुका है, नहीं तो मैं उनका नंबर भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाती। बाकी मैंने उनसे आगे कहा है कि आप मेरे साथ वीडियो शेयर करें इस तरह की ड्रेसेस की, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, अगर आपको मंगवानी है तो आप वहाँ से उनसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बाकी ये वाला कलेक्शन ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैं अभी आपको उसकी डिटेल नहीं दे पाऊँगी। बाकी आगे आपको पसंद आती है तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो इस तरह की देखिए पफ वाले स्टाइल में बाजू है, बहुत खूबसूरत जो है चोली है। और इसके साथ सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बोलती हूँ, मुझे लगता है वो है चुनरी, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही बड़ा साइज है। वृंदावन से जो ड्रेस आती है ना, उसकी सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि चुनरी ड्रेस जो है फुल लेंथ में आती है, बहुत अच्छा साइज होता है, जो बिल्कुल फिट आता है राधा रानी कान्हा जी को। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वर्क जो है इस तरह से चुनरी पर हुआ हुआ है, कॉर्नर पर भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा वर्क है, बहुत सुंदर लगने वाली है राधा रानी के ऊपर, बहुत सुंदर श्रृंगार होगा, और श्रृंगार वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अब हम देख लेते हैं कान्हा जी की। तो कान्हा जी की जो ड्रेस रहने वाली है वो कुछ इस तरह की देखे रहने वाली है, ये है इस तरह से पजामी, और इस पजामी के ऊपर देखिए अभी आपको सिंपल लग रही है, लेकिन अभी मैं आपको इसका दिखाऊँगी, ये है कमर काशनी कान्हा जी की। तो ये आने वाली है कमर पर इस तरह से, आप देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा जो लोग पहनाते हैं जब कमर के ऊपर इस तरह का पैटर्न आता है ना, तो कान्हा जी के बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। और मैंने विंटर की भी आपके साथ कमर काशनी की ड्रेस शेयर करी हुई है, तो चैनल पर ज़रूर विजिट करें। और वूलन के अंदर भी देखिए, समर में तो आपको मार्केट में मिल जाती है लेकिन वूलन में नहीं मिलती है, तो वूलन की ये डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, तो चैनल पर विजिट करें और कान्हा जी के लिए इस तरह की कमर काशनी वाली पजामी, ऊपर कमर काशनी वाली ड्रेस ज़रूर बनाएं अपने हाथों से। तो हमारे कान्हा जी हैं, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, सब में बहुत खूबसूरत लगने चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से पजामी है, ये कमर काशनी आएगी कमर के ऊपर। और इसकी एक और खूबसूरत चीज़ जो है इस तरह की, देखिए चोली है, यानी ऊपर इस तरह से आएगी पजामी के ऊपर, और ये हाफ जैकेट, ये हाफ जैकेट आएगी इसके ऊपर से,
ये देखिए, बाकी गर्मी बहुत है तो मैं जो सोच रही हूँ वो यही सोच रही हूँ कि मैं इसको वियर ना कराऊँ, मैं उनको खाली जैकेट वियर कराऊँ। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से, क्योंकि हाफ जैकेट है, बहुत प्यारी लगने वाली है। मैं उनको ये अंदर का नहीं पहनाने वाली हूँ, मैं खाली हाफ यूज़ करूँगी। बाकी आप बताना कि दोनों वियर करानी चाहिए या सिर्फ ये। और इसके बाद जो है लास्ट, वो है हमारे कान्हा जी का बहुत ही खूबसूरत सा ये पटका, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा पटका है, बहुत सुंदर काम हुआ हुआ है पटके पर भी। तो बहुत ही खूबसूरत जो है हमारे राधा कृष्ण इस ड्रेस में लगने वाले हैं। और आप इनका फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल जाए। तो जब इनका श्रृंगार होगा इस ड्रेस के अंदर, तो कैसा श्रृंगार हुआ है, क्या चीज़ें हमने नई यूज़ करी हैं, क्या नया ट्विस्ट लगाया है श्रृंगार में इस बार, वो आपको वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा। और चैनल पर बने रहें ताकि ये सब वीडियोस आप देख पाएं जब वो कान्हा जी पहनेंगे। माता पार्वती का शिवरात्रि पे भोलेनाथ जी का कैसा श्रृंगार हुआ वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये शॉपिंग हॉल आपको जो है कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और आगे भी और लोगों के लिए शेयर करना, ताकि वो लोग भी जो हैं शिवरात्रि और हरियाली तीज के लिए अपने लिए इस खूबसूरत सी शॉपिंग को कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें ज़रूर पसंद आई होंगी। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।